शून्यकाल में प्रश्न उठाने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं कच्छ की जनता की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, क्योंकि कच्छ में जब भूकंप आया था और कच्छ की दुख की घड़ी में आप वहां पे सहभागी बने हुए थे और आपने कच्छ के पुनर्वसन में सेवा में आपने वहां पे अपना प्रदान दिया। मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कच्छ एक पानी अकाल दुष्काल से पहचाना जाता है और वहां पे बारिश न होने की वजह से बार बार सामना करना पड़ता है। वहां पे नहीं बड़े कोई पानी के स्रोत है, नहीं बंध है, सरोवर है, नदियां हैं, लेकिन मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कच्छ में 100 किलोमीटर तक पीने का पानी गांव शहर तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की इच्छा शक्ति के कारण वहां पे नर्मदा के केनाल का सिंचाई का पानी भी आज आधे कच्छ में मेरे क्षेत्र में वहां पे पहुंचा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र गुजरात के कच्छ जिले में राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से लूणी नामक नदी निकल के सांचो राजस्थान होते हुए कच्छ के बड़े रण में विस्तर में विसर्जन होती है और आबू राजस्थान बनारस नदी गुजरात के पालनपुर दिशा राधनपुर होकर कच्छ के रण में विसर्जन होती है, तो वहाँ पे वो काफ़ी 3-4 महीने तक खारा पानी के स्वरूप में वहाँ पे रहता है। तो मेरी आपसे नम्र निवेदन मांग है कि वहाँ हम बड़ा सा बड़ा वहाँ पे मीठे पानी के लिए जल सरोवर वहाँ पे हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मेरी जल संसाधन मंत्रालय से मांग है कि वहाँ पे बड़ी उपलब्धि हासिल किया जाए।